मारवाड़ी सतराणिया राखे आईज आस, पूत भले ही एक हो लेकिन होवे दुर्गा दास। दरअसल ये कहानी और ये पंक्तियाँ चरितार्थ करती हैं वीर दुर्गादास राठौड़ को, वो महान सपूत जिसने समूचा राजस्थान ही नहीं पूरा मारवाड़ से लेकर के पूरा भारतवर्ष आज उनको याद करता है। वीर दुर्गादास राठौड़ की जो है 381वीं जयंती आज जोधपुर सहित पूरे राजस्थान में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस पूरे सिलसिले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं जोधाना वॉरियर्स ग्रुप के फाउंडर कुंवर नरेंद्र सिंह जी। सर, आपसे बातचीत करके हम जानना चाहेंगे कि वीर दुर्गादास राठौड़ का क्या विराट व्यक्तित्व था। जय हिंद, जय जोधाना। जैसा कि आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि मारवाड़ की सतरानी है, ये होता था कि कोई भी पुत्र हो तो वो यही कहते थे कि हमारे वीर दुर्गादास जैसा पुत्र जन्म ले, पुत्र होना चाहिए। क्योंकि इस बारे में वो वीर भी थे और स्वामी भक्त भी थे, तो इस कारण से आज उनकी 381वीं जयंती है और पूरा भारत वीर दुर्गादास की जो वीरता है, स्वामी भक्ति है, उसकी मिसाल देता है। और मारवाड़ क्षेत्र में तो ये विशेष है, क्योंकि मारवाड़ रियासत में उनका जो योगदान और बलिदान है वह अस्मरणीय है जी। लेकिन सर, वीर दुर्गादास अगर राठौड़ की हम बात करें तो उनका जोधपुर में सबसे बड़ा आयोजन कहाँ पर होता है, उसके बारे में कुछ थोड़ा व्यूअर्स को विस्तार से। जी, जोधपुर के अंदर वीर दुर्गादास पहाड़ी कहलाती है, जो मसूरिया हिल है उस पर वीर दुर्गादास जी की विशालकाय प्रतिमा है, जो तकरीबन उनकी जो मूर्ति है उसकी हाइट 30 फीट के करीब है, जो एक विशाल चबूतरे पर बनी हुई है। तो वहाँ पे हर साल माल्यार्पण करके उनका स्वागत होता है। तो ये हमारा मेन स्थान है वीर दुर्गादास जी की जयंती का। सर, अगर बात करें वीर दुर्गादास राठौड़ की, तो कहीं कहीं आजकल इतिहास के पन्नों से अगर कहें शिक्षा के क्षेत्र में तो गायब होता जा रहा है सिलेबस, आए दिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें मॉडिफाई करके छोटा किया जा रहा है। और अगर जोधपुर की हम बात करें तो जोधपुर में भी कहीं इतना विशेष, अगर सड़कों का या एक दो ब्रिज को छोड़ दें तो मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है कि आज के समय में कुछ सियासत हो रही है। अगर शैक्षणिक क्षेत्र में अगर इसको संशोधित किया जाता है, लेकिन मारवाड़ के जो भी मानुष है वो उनका बलिदान नहीं भूल सकते। पूरे देश को पता है एक समय था जब औरंगजेब रक्त रंजित तलवार लेकर पूरे भारत में इस्लामीकरण कर रहा था, तो उसकी ये तलवार हमारे जोधपुर में भी आई थी। और वो एक समय पीरियड ऐसा था कि उस समय अगर वीर दुर्गादास राठौड़ नहीं होता तो शायद इस जोधाना जोधपुर शहर का नाम ही कुछ अलग ही होता जी। लेकिन सर, अगर बात करें हम जोधाना वॉरियर्स ग्रुप की, तो वाकई ही जोधाना वॉरियर्स ग्रुप का मेन मोटो है कि जोधपुर की जो है संस्कृति है, कल्चर्स है, इसको बचाकर रखना। जो पहले वीर दुर्गादास ने जब जोधपुर का एक विराट जोधपुर रखा या विराट मारवाड़ रखा, तो कहीं कहीं आप उस दिशा में काम कर रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? वीर दुर्गादास राठौड़ की तो हम बराबरी कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जो रणनीति राजनीति थी, जो स्वामी भक्ति थी, वीरता थी, वो बिल्कुल अखंड थी। उन्होंने पूरे भारत में वर्क किया, मराठा राज्य और सभी को सम्मिलित किया था जयपुर रियासत को, तब जाके ये हुआ। हाँ, लेकिन हमारा एक प्रयास है कि जो योद्धा इस मारवाड़ की भूमि में जो जन्म लिया है जी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि महाराणा प्रताप का अगर हम नाम ले तो उनको सभी जानते हैं, लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ उनका इतिहास मैं कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ऐतिहासिक है। क्यों? उनकी जो स्वामी भक्ति और वीरता की जो मिसाल है ना साहब, वो आज भी इस मारवाड़ भूमि और पूरे भारतवर्ष का जनमानुष देता है। और इतिहासकारों ने भी वीर दुर्गादास के बारे में बहुत ही अच्छी बातें लिखी है। अगर कहीं पर संशोधित होता, लेकिन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जन स्मृतियों में बसे हुए वीर दुर्गादास। आपका मानना है कि उस शिक्षा में भी कहीं ना कहीं इसको विस्तारित किया जाए, अगर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की बात करूं तो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम अपने आने वाली पीढ़िया को शौर्य गाथा नहीं बताएंगे जब तक, और इस राजस्थान की अगर हम बात करें, अगर राजस्थान में हम खुद को धन्यशाली मानते हैं कि वीर दुर्गादास जैसी शख्सियत ने जन्म लिया और जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ लड़े हैं वो, और पूरे राजपूताने को एकजुट किया, तो उनका इतिहास का वर्णन होना चाहिए और
इसके बारे में उनके लिए संग्रहालय बनाए जाए, बहुत सारे व्याख्यान हो और ऐसे कार्यक्रम राजस्थान सरकार को भी करना चाहिए और भारत सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सर अगर बात करें वीर दुर्गादास राठौड़ खुद की, तो उनका विशेष तौर से कहा जाता है कि जोधपुर से जुड़ाव रहा और उनकी जन्मस्थली भी जोधपुर में, तो आपके हिसाब से उनका थोड़ा सा व्यूवर्स को यह समझा सकें कि उनका जोधपुर से क्या इतिहास रहा है और जोधपुर दरबार या जोधपुर राजघराने से क्या इनका जुड़ाव रहा है थोड़ा बहुत। वीर दुर्गादास जी का ऐसे जन्मस्थली उनकी सालवा कल्ला है जो जोधपुर के समीप ही है, और वो बचपन से ही वीर थे। इसके बारे में घटनाक्रम कहा जाता है कि जब कुछ मुगल सैनिक वहां से निकले थे तो उन्होंने ऊंट के समेत उनको काट दिया था, तब उनकी जो ख्याति जब जोधपुर दरबार के पास पहुंची कि इतना वीर बालक उसने ऊंट के समेत मुगल सैनिक को काट दिया, तो उन्होंने उनको सम्मिलित कर दिया था अपनी सेना में, और उनकी स्वामी भक्ति और वीरता देखकर वह सेनापति बने। वो महाराजा जसवंत सिंह जी का अफगानिस्तान में पठानों से युद्ध करते हुए उनका निर्धन हो गया था, तो उस समय ये जो उन्होंने उत्तराधिकार भी घोषित नहीं किया था, तो महाराजा अजीत सिंह जी शिशु अवस्था में थे, तो आज उन्होंने महाराजा अजीत सिंह को उस समय उनका पालन पोषण भी किया, उनको बचाया भी, और फिर उनको जब वो युवा अवस्था में आ गए तो उनको उत्तराधिकारी भी बनाया। तो बहुत ही उनका वर्णन आप जितना भी हम उनके बारे में कहे कमी है, यानी अपने आप में बहुत बड़ा विराट व्यक्तित्व था। जी जी जी। लेकिन सर अगर बात करें जोधपुर की, तो विशेषकर समूचे राजस्थान में वैसे तो इसे मनाया जाता है, लेकिन जोधपुर जिले में विशेषकर इसको लेकर के प्रोग्राम, जब आपने बताया कि जो है मसूरिया पहाड़ी पर उनकी मूर्ति के ऊपर से शुरू होता है, उसके बाद का क्या कुछ प्रोग्राम रहता है और इसका समापन पूरे दिन भर प्रोग्राम चलता है? वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती का सबसे पहले उनकी जो प्रतिमा है वहाँ पे माल्यार्पण करके उनके बारे में व्याख्यान किया जाता है, और वीर दुर्गादास समिति है जिसके द्वारा हर वर्ष जोधपुर के प्रतिभान बच्चों को जो भी है सक्सेस को उनको पुरस्कार वितरण दिया जाता है, और वीर दुर्गादास के बारे में व्याख्यान होता है वहाँ पे। जोधपुर महाराजा के परिवार भी लोग आते हैं वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। वीर दुर्गादास जयंती जोधपुर के अंदर या तो जोधपुर दरबार महाराजा वो आयोजित करते हैं या फिर जोधाना वॉरियर्स ग्रुप। तो ये थे हमारे साथ कुंवर नरेंद्र सिंह जी, जो विस्तार से बता रहे थे कि वीर दुर्गादास की जयंती पूरे जोधपुर ही नहीं अपितु पूरे मारवाड़ में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, क्योंकि उनका जो एक पराक्रम था वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, और हम आप और सब जोधपुरवासी मिलकर इस दिन को विशेष तौर से सेलिब्रेट करते हैं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज।